हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन वॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गुलदावरी की 6 प्रॉब्लम के बारे में और उसका सलूशन क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुलदावरी प्लांट के साथ सबसे पहला प्रॉब्लम जो हर गार्डनर फेस करते हैं वो है उसकी सही मात्रा में ग्रोथ ना होना। दोस्तों, इसके दो रीज़न होता है। एक है उसकी सही सॉइल मिक्स ना होना और दूसरा है सॉइल मिक्स में सही मात्रा में उसके लिए न्यूट्रिशन ना रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम सॉइल मिक्स की तरफ। दोस्तों, आप हमेशा गुलदावरी के जितने भी प्लांट आप लगाएंगे उनके सॉइल मिक्स आप भुरभुरा बनाइएगा, जो बिल्कुल भी पानी को ना रुके और साथ ही उसके अंदर थोड़ा बहुत नमी बरकरार रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत देर तक वो नमी को पकड़ के रखे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर वो नमी को पकड़ के रखेगा तो वो मिट्टी भुरभुरा नहीं होगा और उससे आपकी जो प्लांट है उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचेगा, उसकी जड़ सड़गल सकता है। तो इसीलिए आप हमेशा मिट्टी को भुरभुरा बनाइएगा जिससे आपकी गुलदावरी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होगा। और अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ कि उसकी जो मिट्टी है उसमें सही मात्रा में न्यूट्रिशन की कमी से आपकी जो गुलदावरी प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत ही कम होता है, जिससे क्या होता है कि उसे इसकी मिट्टी से सही मात्रा में उसकी मुताबिक उसे कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा जब भी आप गुलदावरी की मिट्टी बना रहे हैं तो कम से कम उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट ज़रूर डालिएगा दोस्तों, जिससे उसे लगभग उसकी ज़रूरत के हिसाब से पहले जो स्टेज है उसका उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे न्यूट्रिशन मिल जाए। बाद में चलकर आप ज़्यादा मात्रा में या फिर इसके मुताबिक और भी कई नए नए आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है वो है इसकी पत्तियों का पीली पड़ जाना। दोस्तों, इसमें भी दो रीज़न होता है कि दो रीज़नों के कारण इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगता है। पहला कारण ये है कि आप जिस पॉट में उसको लगा कर रखे हैं वो उसके लिए बहुत ही छोटा पड़ चुका है, उसका रूट बाउंस कर रहा है और आप उसको रीपॉट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आपकी जो पौधों की पत्तियां है वो धीरे धीरे पीली पड़ने लगता है, क्योंकि उन्हें सही मात्रा में उन्हें मिट्टी नहीं मिल रहा है, सही मात्रा में उनको जगह नहीं मिल रहा है इसी कारण। और दूसरा है आपकी सॉइल मिक्स में पोटेशियम की कमी के कारण। दोस्तों, पोटेशियम सिर्फ और सिर्फ फूल और फलों के लिए ही नहीं होता है, आपकी पौधों की ग्रीननेस को बरकरार रखने के लिए, ओवरऑल उसकी ऊपरी ग्रोथ की कई तरह की खामियों को दूर करने के लिए पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपकी जो गुलदावरी के प्लांट है उसकी पत्तियां अगर पीली पड़ने लगे तो उसके अंदर या तो पोटेशियम की कमी है या फिर उसका जो पॉट आप दे रहे हैं वो पॉट उसके लिए छोटा पड़ चुका है, आपको रिपॉट करना होगा। इसीलिए उसकी जो पत्तियां है वो धीरे धीरे पीली पड़ने लग रहा है। खासकर आप जब ध्यान दीजिएगा तो उसकी ये ऊपर की हिस्से का जो पत्तियाँ है ये पीली होने लगते हैं। तो ये जब पीली होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर पोटेशियम की कमी है या फिर इसको रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट तब कीजिएगा दोस्तों जब इस पॉट की निचले हिस्से से इसकी रूट बाउंस करके बाहर आने लगे, तभी आप इसको रिपोर्ट कर दीजिएगा, उससे पहले नहीं। दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। हम में से जो लोग भी गुलदावरी प्लांट करते हैं, ज़्यादातर लोग ही खासकर गुलदावरी प्लांट करते हैं, जो लोग भी सर्दियों की बगीचा बनाते हैं अपने टेरिस गार्डन में, वो लोग देखे होंगे कि गुलदावरी में सबसे ज़्यादा हमला मिलीबग और माइट्स का होता है। यही दोनों कीड़े हैं जो आपके गुलदावरी प्लांट को ख़राब कर देता है। जब भी मिलीबग लग रहा है तो मिलीबग क्या करते हैं दोस्तों, आपकी ओवरऑल पूरे
प्लांट को पकड़ लेता है एकदम, और उसे धीरे धीरे सुखा कर उसके अंदर की इसकी जो रस है उसको चूस कर उसे पूरी तरह से ख़राब कर देता है और आपकी उस प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, उस प्लांट की नए नए पत्तियां आना कम हो जाता है और उस पूरे प्लांट को वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और माइट्स क्या करते हैं दोस्तों, आपकी पत्तियों को, आपकी ये जो गुलदावरी के प्लांट है इसके नए नए जो पत्ते आता है उनको पूरी तरह से साफ कर देते हैं और आपकी पौधों को पूरी तरह से नुकसान कर देते हैं, उसको ग्रो नहीं होने देते। तो इन दोनों कीड़ों से आपको अपनी गुलदावरी की बचाव करना होगा, इसीलिए आपको लगभग 2 से 3 दिन बाद ही आपको अपनी गुलदावरी प्लांट की ख्याल रखना होगा। इसी के साथ आप किसी भी एक अच्छे पेस्टिसाइड लेकर 2 हफ्ते में एक बार आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आप लोग बाज़ार से लाए हुए पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अब घर में ही पेस्टिसाइड बना सकते हैं, उसे आप हर हफ्ते इसमें डाल सकते हैं। अगर आप लोग पेस्टिसाइड बनाना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर इससे पहले पेस्टिसाइड के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो उस एक ही पेस्टिसाइड से आपको इन दोनों तरह की कीड़ों से बचाव मिल जाएगा, आप उसे हर हफ्ते इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मॉनसून चल रहा है तो मॉनसून के वक्त से ही इसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, हमारे बगीचे में जितने भी फूल हैं फल के पौधे सब में कीड़े आना शुरू हो जाते हैं इस मॉनसून के वक्त से ही। तो अभी से ही आपको हर हफ्ते पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा ताकि आपकी जो प्लांट है वो बचा रह सके। लेकिन दोस्तों और एक बात इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप लोगों में से जिन लोगों के गुलदावरी के प्लांट में अभी तक कीड़े नहीं लगे हैं, मैं उनसे कहूँगा खासकर कि वो लोग भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि दोस्तों रोग आने से पहले ही उसको मिटा देना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर मिलीबग लग जाएगा या फिर माइट्स इसमें लग जाएगा तो उसके बाद उससे इसे बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, आप अगर रेगुलर बेसिस पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा फैल नहीं पाएंगे और जल्द से जल्द वो आपके पौधे से रिमूव हो जाएगा, लेकिन उनमें आने से पहले से ही आप उनके लिए बंदोबस्त कर लीजिएगा तो माइट्स या फिर मिलीबग आपके पौधों में हमला नहीं करेगा। आप देख ही सकते हैं मेरे इन पौधों को, इसमें अभी तक आपको ना ही माइट्स दिखेगा ना ही मिलीबग दिखेगा। ये सभी पौधे देखिए, छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे तक मैंने जितने भी प्लांट्स इस साल बनाए हैं उनमें किसी में भी आपको माइट्स या फिर मिलीबग नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मेरे जो मदर प्लांट है आपको मैं ये से दिखा देता हूँ, सभी मदर प्लांट को मैं एक साथ तो दिखा नहीं सकता सामने, लेकिन किसी में भी आपको माइट्स या फिर मिलीबग्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं हर हफ्ते अपने घर में बनाए हुए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता हूँ जिससे इसके अंदर माइट्स या फिर मिलीबग्स का हमला नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे गुलदावरी की चौथे पॉइंट के ऊपर। दोस्तों चौथा पॉइंट है चींटियों के ऊपर। दोस्तों चींटियां एक ऐसा परेशानी है हम गार्डनर्स के लिए जिसको हम लोग पूरी तरह से भगा नहीं पाते हैं। आप लोग अगर हर हफ्ते उसके लिए बंदोबस्त करेंगे चींटियों को भगाने के लिए तभी आपकी गार्डन चींटियों से सेफ रहेगा, लेकिन अगर बंदोबस्त करते हुए अगर आप 1 से 1.5 महीना अगर चूक जाए तो फिर से चींटियां वापस आ जाएंगे आपके गार्डन में। इसीलिए पूरा साल ही चींटियों को भगाने के लिए आपको काम करना होगा। दोस्तों चींटियां एक तरह से गुड पॉलिनेटर्स होता है, क्योंकि दोस्तों ये आपकी पॉट की मिट्टी के अंदर अपना घर बनाता है, पॉट की मिट्टी के अंदर की ड्रेनेज सिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है, क्योंकि वो जब भी सुरंग खोदकर आपकी पॉट के अंदर घर बनाएगा तो उसी सुरंग के कारण आपकी पॉट की मिट्टी में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम चींटियां हमारे गार्डन के लिए क्रिएट करता है, तो इसीलिए हमें चींटियों को रखना नहीं होगा, उन्हें भगाना ज़रूरी होगा, क्योंकि दोस्तों अगर भूल से भी आपकी ध्यान हट जाए किसी पौधे से अगर और अगर उसमें मिलीबग आ जाए तो देखते ही देखते यही चींटियां उन मिलीबग्स को आपके गार्डन के हर एक प्लांट में फैला देगा, क्योंकि दोस्तों मिलीबग्स के ऊपर जो
उसका जो स्किन होता है उसका जो उसके ऊपर एक फंगस उगता है जिसे चींटियां बहुत ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप देखिएगा किसी भी प्लांट में मिलीबग लगा हुआ है तो उस प्लांट में भर भर के चींटियां आना जाना शुरू कर देता है और उस चींटियों की मदद से ही वो मिलीबग आपके गार्डन के हर एक जो पौधा है उनमें फैल जाता है और उस चींटियों के लिए ही मिलीबग्स को रोक पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको चींटियों को अपने गार्डन से सबसे पहले भगाना होगा। तो चींटियों को भगाने के लिए आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा को लीजिएगा और पॉट के इस इर्द गिर्द से आसपास से आप डाल दीजिएगा, इस तरह से बस फैला दीजिएगा। उसकी जो गंध है उससे चींटियां भाग जाएंगे, आपके पॉट की इर्द गिर्द नहीं आएगा। पॉट की चारों तरफ से आपको दे देना होगा उसको, इससे पॉट तक चींटियां नहीं पहुंचेंगे और पॉट तक अगर चींटियां नहीं पहुंच पाएंगे तो उसके अंदर वो घर भी नहीं बना पाएगा और उससे आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अब हमारे पाँचवें पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट है आपके गार्डन की जितने भी गुलदावरी है आप अगर ध्यान देंगे तो देखिएगा कि इससे पहले भी आपके गुलदावरी में ऐसा हुआ है कि आपके गुलदावरी की जितने भी पत्तियां हैं वो कुछ कुछ सिकुड़ा हुआ होता है या फिर उसके बीच बीच में काला पड़ जाता है। इसका कारण है उसमें फंगस लग जाना। इसीलिए आपको हर हफ्ते किसी भी एक अच्छे फंगिसाइड को लेना पड़ेगा और इसमें स्प्रे करना पड़ेगा। एक लीटर पानी में एक टीस्पून ले लीजिएगा और इसमें अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा तो ये उस तरह के किसी भी फंगस से बचा रहेगा। अगर आपकी प्लांट में फंगस लग जाएगा तो ये सभी पत्तियां सिकड़ा हुआ निकलेगा। आप जब भी पिंच करेंगे तो अच्छी तरह से इसकी जो ब्रांचेस है वो बाहर नहीं आ पाएगा तो इसकी ग्रोथ थोड़ा बहुत रुक जाएगा। तो इसीलिए फंगस से बचाने के लिए आपको हर हफ्ते इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करना होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम छठे पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों छठा जो पॉइंट है वो जो गुलदावरी के जो लोग प्लांट बनाते हैं वो लोग फेस किए होंगे कि आपके गुलदावरी की जो प्लांट है उनकी जो ये ब्रांचेस है ये बहुत ही कमज़ोर आ जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कुछ कुछ प्लांट में ब्रांचेस बहुत कमज़ोर आ जाता है, उसमें लचीलापन बहुत ही ज़्यादा आता है जिससे उनको पिंच करने से उनसे नए नए ब्रांच आने में दिक्कत होता है, उनकी पत्तियों का जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इन सभी कारणों से आपकी जो गुलदावरी के प्लांट है उसे आप सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते, सही तरीके से उसको आप बूसी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको उसे सही मात्रा में सही समय पर हमेशा फर्टिलाइज़र देना होगा। दोस्तों हर एक प्लांट की एक एक स्टेज अलग अलग होता है तो हर एक स्टेज में अलग अलग तरह की फर्टिलाइज़र उन्हें चाहिए होता है। कोई स्पेसिफिक एक अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसी के ऊपर बेस करके आप कभी भी अपने प्लांट को पूरी जो पोषण है जो उसको चाहिए आप उसे नहीं दे सकते। तो इसीलिए उसके हर एक स्टेज में आपको अलग अलग तरह की जो फर्टिलाइज़र है उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपको देना होगा तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों मेरे इन सभी प्लांट्स को, ये बहुत ही छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी देखिए दोस्तों इनमें कई सारे ब्रांचेस आ चुके हैं। इसी वक्त आपको मैं इसे भी दिखा देता हूँ, इनसे बस एक महीना पहले ही इनको मैंने बनाया है तो देख सकते हैं इससे एक महीने की डिफरेंस में ही ये कितनी ज़्यादा ब्रांचेस इसमें आ चुका है सभी में। तो दोस्तों मैं इस गुलदावरी के ऊपर हर एक स्टेज पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक गुलदावरी की सीरीज़ में बनाया हूँ ताकि आप लोगों से किसी भी तरह का कोई गलती ना हो, आप लोगों की हर एक गुलदावरी प्लांट बहुत ही स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। दोस्तों आप हमेशा ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गुलदावरी प्लांट को लगाने के लिए आप हमेशा भुरभुरा मिट्टी ही तैयार कीजिएगा,
जिसमें न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो। साथ ही आप इसमें सही समय पर सही वक्त पर पानी दीजिएगा, तो इसीलिए आप इसमें सही समय पर इसकी मिट्टी को चेक कर लीजिएगा। मिट्टी के ऊपर की मिट्टी अगर सूखी लगे तो इसको पानी दे दीजिएगा। सही वक्त पर इसके ऊपर आप फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप लोग पेस्टिसाइड घर में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप लोगों में से जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे गुलदावरी सीरीज़ को अभी तक नहीं देखे हैं, तो उनके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे गुलदावरी सीरीज़ के हर एक पार्ट का लिंक मैं दे दूंगा, ताकि आप भी अपने घर में बहुत ही अच्छी तरह से गुलदावरी को तैयार कर सकें और आपको हर साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आप अपने गुलदावरी प्लांट को ग्रो कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस यहीं तक, तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन वाले जी के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।